देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कैसे टूट गया? अरे कैसे टूट गया वो छोड़, अगर ये लड़की जिंदा बच गई ना तो अपनी मैडम अपने को नहीं छोड़ेंगी। एक काम करता हूं, इस कांच के टुकड़े से इसका गला ही काट देता हूं। माँ, माँ कहाँ भेजा था आपने राधा को? हाँ, बाजार भेजा था कुछ सामान लेने के लिए। बाजार भेजा था सामान लाने के लिए, अब तक तो आ जानी चाहिए थी माँ। वो जरूर किसी मुसीबत में, मैं जाकर देखता हूँ। माँ मोहन, अरे मोहन, रुको मोहन। जा रहे थे लेकिन माँ वो राधा। अरे क्या राधा 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 लगा के रखा है, ये तो कोई नाम है या आफत की पुड़िया? सच कह रहे हैं हम, ये राधा राधा सुन के हमारे कान में से तो खून निकलने लगा है। अरे बेटा वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके लिए क्या दूल्हा इस तरह शादी छोड़कर चला जाएगा? मोहन,
वापस आओ। लेकिन माँ, मोहन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है, ये तुम्हारी शादी का मंडप है। और मंडप से उठकर जाना अब शगुन होता है, इसकी सीरियसनेस क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? और गुनगुन और जवाई जी, जी ये खेल नहीं हो रहा, शादी हो रही है। राधा का रटन बंद कीजिए और शादी पे ध्यान दीजिए। पर माँ, आप बस यजमान, हीरो का समय निकला जा रहा है। पर माँ, मोहन तुम्हें हमारी कसम है, ये मंडप छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। राधा, राधा तुम ठीक हो ना? मैं तुलसी, काका जी, पापा, अबे ये इतना देर से भगवान को याद कर रही थी, कहीं सचमुच नहीं भगवान आ गए? भगवान नहीं, अरे भूत है, भूत। अबे भूत, अबे देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। काका जी, काका जी अब ठीक तो है ना? राधा बेटा, तू ये सब क्या है? काका जी, हम यहाँ कैसे? काका जी, ये सब दामिनी जी ने किया है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपको घर ले जाने ही आए हैं। काका जी चलिए, काका जी इनकी तो हालत ही नहीं की घर जाए, अभी जल्द से जल्द इनको घर ले जाना होगा, कैसे भी करके। हाँ राधा, पापा को जल्दी से घर लेकर जाओ। काका जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। आप बस संभल के रहिए, अब गिरेगा नहीं। काका जी को तो बचा लिया, अब बस मोहन जी की शादी को रोकना है। काका जी, बाके बिहारी लाल की जय। We'll be right back.
पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। वर वधू के पहले फेरे का प्रतीक है कि वर वधू को संपूर्ण जीवन अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसे सुख प्रदान करेगा और उसके होने वाले संतान का पूरी निष्ठा के साथ भरण पोषण करेगा। और वधु वर को ये वचन देती है कि इस कार्य में वो उसकी सहायता करेगी। अब आप दोनों अपना पहला फेरा शुरू कीजिए। रुक जाइए मोहन जी। शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रही हो राधा? दिमाग खराब है तुम्हारा? और ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? क्या हुआ? हम अपनी हालत के बारे में ना आपको बाद में सब कुछ बता देंगे, पर इस वक्त ये शादी रोक दीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? हम बता रहे हैं। कर दिया भूत ने कांड, बचा लिया दोनों को। दामिनी, ना इस घर के लिए सही है ना मोहन के लिए ना गुनगुन के लिए। ये लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। मोहन और गुनगुन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी ये लड़की। काका जी! अरे ससुर जी, त्रिवेदी जी, ससुर जी आराम से। बाकी बिहार जी की मूर्ति बाहर कैसे? अजीत भैया, अब काका जी का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हम अभी है। हाँ राधा, आराम से। ससुर जी संभालिए अपने आप को, आराम से। बाकी बिहारी जी, आपको ऐसे बाहर किसने रख दिया?
धागा टूटा हुआ कैसे? हम जब से यहाँ आए हैं ये धागा तो हमेशा बंधा हुआ था, तो फिर आज? ससुर जी संभालिए। ससुर जी संभालिए अपने आपको। आप आराम से ना? हम ठीक है। आपने पी है? कौन बेटा? हमारी बात सुनो बेटा, इस लड़की से मत करो शादी। ये आप क्या कह रहे हैं त्रिवेदी जी? हमारी बात मानो कादंबरी, रोक दो ये शादी। ये लड़की दामिनी मोहन के लिए सही नहीं है। वरना ये लड़की हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन और गुनगुन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। रोक तो ये शादी। क्या बोल रहे हो त्रिवेदी जी, आज कुछ ज्यादा हो गई क्या आपको? दादू इज राइट, दादू बिल्कुल सही कह रहे। दामिनी से शादी मत करो पापा। गुनगुन, पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, कहा था कि दामिनी ने अगर झूठा प्रॉमिस लिया हो तो आप उससे शादी नहीं करोगे। मैंने दामिनी से प्रॉमिस किया है ना। अगर किसी ने प्रॉमिस चीटिंग करके लिया तो? चीटिंग करना तो बहुत गलत है ना, उसके लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आपके साथ अपोजिट टीम ने चीटिंग की है, उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो। मुझे दामिनी के बारे में सब सच पता चल गया है। इससे मेरे बेटे की शादी करवा के मैं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। लगता है शराब अंदर जाते ही इसके अंदर का पिता परमेश्वर जाग गया। अगर इस बुड्ढे को जरा सा भी अंदाजा आ गया कि हमने जो इसे दारू पार्टी दी थी वो इसका किडनैपिंग करवाने के लिए थी, तो बिटिया इस घर से हमारा बोरिया बिस्तरा बांधने का वक्त आ गया है। इसके पहले कि थोड़ी देर में हमें लात घुसे पड़े, चल यहाँ से निकलते हैं। नहीं 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 मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राधा कैसे बच गई, किसने मदद की इसकी? दामिनी, मैं, तुम चाहे कितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने कर लो, लेकिन सच्चे प्यार से ज्यादा शक्ति किसी और में नहीं होती।
पहले कि धुलाई होना शुरू हो जाए हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। नहीं मम्मा, आज तो मेरी शादी मोहन से होकर ही रहेगी। मेरा आखिरी पत्ता अभी भी बाकी है। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। काका जी, सबको पूरी बात बताइए ना।